एक जो वक्ता है वो एक समूह को संबोधित करता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के उपयोग। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग क्या हो सकता है दोस्तों, इसको पूछा जाएगा आज के परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस का आधारित टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, और हाँ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए झट से, और हाँ आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो आज इसका पेपर होने वाला है, इसका फाइनल और सबसे सटीक आंसर या पेपर सॉल्यूशन जो होता है वो इस चैनल पर दोस्तों डाला जाएगा दोस्तों, तो उसको भी देखना ना भूलें। और दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है पब्लिक स्पीकिंग के उपयोग। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग का उपयोग क्या होता है, कहाँ होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखें किसी सूचना को देने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी किसी सूचना को देने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का यूज किया जाता है। और आगे है दोस्तों, किन्हीं भी व्यवसायों और औद्योगिक क्षेत्रों पब्लिक स्पीकिंग व्यवसायिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, यानी दोस्तों जो व्यवसायिक क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है क्या उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें पब्लिक स्पीकिंग होता है। और दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग स्किल के द्वारा आपके ज्ञान की दक्षता का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपके आप में कितना ज्ञान है, अगर आप लोग बोले आप अगर आप बोलेंगे एक भीड़ में भीड़ को संबोधित करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। तो इस बात से यही तत्पर हुआ दोस्तों। और दोस्तों बिल्कुल बारीकी समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सब सिलेबस के आधारित प्रश्न हैं। और दोस्तों आगे है, किसी भी टॉपिक को तैयार करना पब्लिक स्पीकर के लिए तब व्यक्तिगत विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर एक पब्लिक स्पीकर संबोधित करने के लिए किसी स्पीच को तैयार करे तो दोस्तों उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा आपको अंग्रेजी बनाने में मदद मिलती है। यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, पर आपको कोई बात नहीं। जो पब्लिक स्पीकिंग होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, लोगों को समझाने के लिए जो स्पीकर होता है एक से एक नया तरीका का यूज़ करता है, और उसमें अपने भाषा के अनुसार शब्द को डालता है दोस्तों। और आगे दोस्तों, इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दोस्तों इसको समझिएगा क्योंकि ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है दोस्तों। अभी इसको समझते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है, मंच के डर को दूर करें। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर आपको वक्ता बनाया गया है तो आप में डर है तो आप जाकर भीड़ को संबोधित नहीं कर सकते, आप कांपने लगेंगे, इसलिए मंच के डर को दूर करना एक क्या है दोस्तों, इसका प्रिंसिपल्स है। और दोस्तों आगे है, ऑडियो वीडियो साधनों का उपयोग अथवा आवश्यकता अनुसार करें, यानी अगर आपके पास उस जो आप बता रहे हैं उसके उसके लिए और गहरी जानकारी के लिए ऑडियो वीडियो कोई और सोर्स है तो आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों आगे है, अच्छे बोलने के लिए सही प्रदर्शन का उपयोग। दोस्तों अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको सही प्रदर्शन करना होगा। और दोस्तों आगे है, सारे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हुए अच्छी तैयारी करें। भाई बिल्कुल बात सही है, सारी तथ्यों को एकत्रित करेंगे तभी तो आप सटीक भाषण दे पाएंगे। और दोस्तों आगे, इतना तेज बोलने कि पीछे बैठने वाले लोगों को भी सुनाई दे, ये भी बात सही है। और इसको आप लोग ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए अपने दिमाग या पेपर हो उस पे। और दोस्तों आगे, बोलने से पहले अभ्यास करें, इसको भी आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। और दोस्तों आगे, मुख्य बिंदुओं को पहले बोलें, अगर मुख्य बिंदु को पहले बोलेंगे तो आदमी आकर्षित हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनने के लिए और ज़्यादा उत्सुक और इच्छुक हो जाएंगे। दोस्तों आगे है, पढ़ने की अपेक्षा याद किया हुआ बोलें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप लोग जाकर पढ़कर बोलेंगे मंच पर तो वो क्या होता है, ऑडियंस उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए, उसको धारा प्रवाह बोलिए, तब श्रोता आपकी बातों को ज़्यादा वैल्यू देगी और सुनेगी आपको। और दोस्तों आगे है दोस्तों इसे समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टिव प्रेजेंटेशन, यानी दोस्तों इसको बोला जाता है अचानक प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों अचानक प्रस्तुतिकरण का अर्थ कोई ऐसी चीज़ बोलना जिसकी तैयारी ना हो। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर किसी चीज़ का अचानक करना हो तो उसकी तैयारी तो भाई जाहिर सी बात है नहीं हुई होगी। और दोस्तों आगे, अचानक प्रस्तुतिकरण के समय तैयार किए हुए
1 से 4 मिनट में किया जाता है, यानी अचानक प्रस्तुतिकरण में जो होता है वो आपकी तैयारी के लिए मात्र 1 से 4 मिनट टाइम मिलता है, और दोस्तों बोलने के लिए 5 से 8 मिनट टाइम आपको दिया जाता है। दोस्तों इन दोनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि अचानक प्रस्तुतिकरण में कितने समय में आपको तैयार करना होता है और कितना टाइम बोलने को समय दिया जाता है। दोस्तों तो तैयार करने का समय है वो 1 से 8 मिनट तैयारी कर सॉरी 1 से 7 मिनट तैयारी करने का समय है, और 5 से 8 मिनट जो है वो दोस्तों बोलने का समय है। और दोस्तों आगे साधारणतः वक्ता को उसका टॉपिक एक छोटा रूप में, उद्देश्य के रूप में, एक कथन या शब्द के रूप में दिया जाता है, जो मेन टॉपिक होता है उसको दिया जाता है। यहाँ पर ये बात बताया जाता है। और कभी कभी किसी भी विषय संस्था या प्रतिस्पर्धा के स्तर के अनुसार अपने अपने नियमों के बदलाव किया जाता है। दोस्तों ये बदलाव हो सकता है अपने संस्था के ऊपर, ठीक है। दोस्तों अब ये सब समझ गए दोस्तों हम लोग, और आगे के हम लोग समझते हैं मुख्य टॉपिक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आगे है इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, यानी दोस्तों व्यक्तित्व प्रस्तुतिकरण क्या होता है दोस्तों, यानी व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण क्या होता है उसको समझिए। आगे है दोस्तों इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, किसी एक व्यक्ति या विचार और उसके प्रस्तुत करने के लिए उसके लगाया हुआ प्रयास है। दोस्तों अगर आप प्रस्तुतिकरण किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो ये क्या कहा जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण या इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। दोस्तों अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, एक व्यक्ति विशेष या यूनिक आइडिया होते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक यूनिक आइडिया होता है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे है व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण हमेशा सरल या आसान होता है। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य इसके अपने विचार एवं रचनात्मकता से है, जो किसी भी प्रेजेंटेशन को सफल या असफल बनाती है। दोस्तों आप दोस्तों इसको समझते जाइएगा, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है, और दोस्तों ये एक यूनिक आइडिया होता है, बस इतना समझिए। आगे बहुत लंबी लंबी बातें लिखी हुई है, उसको ध्यान नहीं देना है आपको। और यहाँ देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में सारा कुछ एक ही व्यक्ति पर होता है, सारा बोझ जो होता है एक ही व्यक्ति पर होता है दोस्तों इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सब कुछ तैयारी करनी होती है, सब कुछ बोलना होता है। और दोस्तों आगे है ग्रुप प्रेजेंटेशन, इसको समझिए, ये है दोस्तों आपका समूह प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों एक टीम या ग्रुप प्रेजेंटेशन क्या है दोस्तों, एक टीम या लोगों का समूह है। भाई बिल्कुल सही बात है, ग्रुप का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक टीम या लोगों का समूह होता है। और देखिए आगे लिखा हुआ है दोस्तों, हमेशा कठिन होता है। क्या होता है दोस्तों, हमेशा कठिन होता है, ग्रुप डिस्कशन हमेशा कठिन होता है। एक साथ चीज़ों को लाना एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। सही बात है भाई, जैसे बोला जाता है हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, और ये दुनिया में हर काम आदमी कर सकता है। तो बात यही है दोस्तों, सब आदमी सब कुछ काम तो नहीं कर पाते, लेकिन सब आदमी का कार्य अलग अलग ज़रूर होता है। और दोस्तों आगे ग्रुप डिस्कशन में आपको विभिन्न विचार मिल जाते हैं दोस्तों, और सभी सुझावों को एक साथ मिलाया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, विभिन्न विचारों को सभी सुझावों को एक साथ मिलाया जाता है दोस्तों। और आगे ग्रुप प्रेजेंटेशन समय को बचाता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग इसमें कार्य करते हैं। क्या दोस्तों, अगर आप इसका याद कीजिए कि अगर लघु ग्रुप डिस्कशन या लघु समूह चर्चा में लोगों दोस्तों कितने लोग शामिल हो सकते हैं दोस्तों, तो इसमें होगा सही उत्तर 20 से 25। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस फॉर ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ग्रुप प्रेजेंटेशन के गाइडलाइन जो है वो इस प्रकार है, शेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो जानकारी होता है वो शेयर किया जाता है, समूह बनाने के बाद आपसी शेयर करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें नाम और इसमें किसी विशेष चीज़ का नाम होगा और नंबर होगा। यानी दोस्तों समूह बनाने के बाद आपसी जानकारी जैसे नाम और नंबर को शेयर किया जाता है, किसमें दोस्तों, समूह प्रस्तुतिकरण में। और आगे है दोस्तों मीट, समय समय पर बिंदुओं पर चर्चा में बात करते हैं। मीटिंग किसको बोला जाता है दोस्तों, मीट किसे बोला जाता है, जब लोग मिलते हैं एक से ज़्यादा लोग, समय समय पर
बिंदुओं पर चर्चों में बात किया जाता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है मीट। और दोस्तों आगे है रिसर्च, पुस्तक आदि में आपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करें। सही बात है दोस्तों, रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा और पता कीजिए। तो ये हो गया आपका रिसर्च का मतलब। और आ गया दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है दोस्तों, जब जो भी कार्य किया जाता है योजना अनुसार उनकी आउटलाइन तैयार करें। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, योजना सबसे पहले तैयार किया जाता है किसी कार्य को करने से पहले। और तो आगे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन के दिन कुछ समय पहले ही पहुंच जाएं, व्यवस्थित हो जाएं एवं सदस्यों को फॉर्मेट दे दें। सही बात है दोस्तों, जिस दिन होने वाला है प्रेजेंटेशन उस दिन आप समय से पहले ही पहुंच जाइए और खुद की व्यवस्थित कर लीजिए, वरना लेट पहुंचोगे तो आप नहीं चढ़ पाओगे मंच पर। और दोस्तों आगे है हैंडिंग क्या है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा देखिए, प्रेजेंटेशन डे के लगभग एक सप्ताह पहले ही वितरित किए जाने वाले नोट्स या प्रतिलिपि तैयार किए जाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि होने वाला है प्रेजेंटेशन एक सप्ताह बाद, तो आप लोगों को इसी समय क्या है दोस्तों, उसका जो प्रारूप वितरित किया जाएगा उसको आपको तैयार कर लेना होगा। और दोस्तों आगे समझते हैं, ग्रुप डिस्कशन या सामूहिक चर्चा बोला जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझिए। किसी भी सार्वजनिक हित के विषय में दो या दो से अधिक लोगों के बातचीत, लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करने तथा किसी समस्या को हल करने के उद्देश्य से बातचीत करने का तरीका है दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी समस्या पर बात करते हैं, समस्या का समाधान खोजते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है। और दोस्तों ग्रुप डिस्कशन का आकार कैसा होता है दोस्तों, तो उसका आकार जो होता है वृत्ताकार होता है दोस्तों, या अर्धवृत्ताकार हो सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी इसमें लोग जो होते हैं वृत्ताकार रूप में बैठे होते हैं। और दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी इसके लाभ क्या होते हैं दोस्तों, उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों। तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ज्ञान में वृद्धि, इसका उद्देश्य होता है मनोवृत्ति में परिवर्तन यानी एटीट्यूड में बदलाव करना, और व्यवहार में परिवर्तन भी है, और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है। ग्रुप डिस्कशन का क्या है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और दोस्तों आगे निर्णय लेने की क्षमता का विकास तो हो ही है, और आगे दोस्तों कार्य करने को क्रियान्वित करने की योजना तैयार करने में सहायक, किसी कार्यक्रम करने के लिए आपकी क्रियान्वित करने में योजना तैयार करने में सहायक होती है। और दोस्तों आगे तनाव मुक्त करता है, अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका जो तनाव है टेंशन है कम होगा, और वर्तमान की बातों पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। और दोस्तों आगे हम की भावना को विकसित करना, यानी इसमें सभी व्यक्तियों का क्या होता है दोस्तों, खुद में हम की भावना को विकसित करना होता है। और दोस्तों आगे देखते हैं पॉइंट टू बी पॉइंट कंसीडर्ड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन जो है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और मीटिंग की सूचना दो तीन दिन पूर्व ही दे देनी चाहिए, यानी जो दोस्तों मीटिंग की जो सूचना है या मीटिंग होने वाली है उसकी सूचना दोस्तों 2 से 3 दिन पहले ही दे देनी चाहिए। दोस्तों आगे है समय स्थान और विषय की सूचना भी दे देनी चाहिए। सही बात है दोस्तों, जितने शामिल होने वाले हैं उसमें सदस्य, उनको भी यही पता नहीं होगा कि कब और कहाँ शामिल होना है, तो कहाँ शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों ये सब है जो योजना से पहले की बातें। और दोस्तों आगे है लोगों के बैठने एवं पानी का प्रबंध होना चाहिए। दोस्तों नाश्ता पानी का भी प्रबंध जरूरी है, नहीं तो लोग आएंगे और भूखे कितना देर तक रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल नाश्ता पानी के लिए ही जाते हैं, ठीक है हो गया। और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे सभी सदस्यों को अर्धवृत्ता भार में बैठना चाहिए, अर्धवृत्ताकार में। यहाँ पे गलती लिखा गया है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसमें क्या है दोस्तों, सभी सदस्यों को अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार में बैठना चाहिए, यानी दोस्तों सेमी सर्कुलर शेप में बैठना चाहिए, और यह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता जो बोल रहा है वही सही और जो स्थानीय लोग हैं वो गलत, यह नहीं साबित करना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है और जितने लोग सुनने आए हैं वो गलत हैं। और दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए, कब, इसका आयोजन से पहले ही कर लेना चाहिए। और दोस्तों इनके आगे का जो टॉपिक है उसको समझेंगे दोस्तों, क्योंकि
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो इसके क्या लाभ होते हैं दोस्तों? यह प्रत्येक व्यक्तियों को बराबर अवसर प्रदान कर विचार विमर्श करने का प्रजातांत्रिक तरीका है। कैसा है दोस्तों? ये दोस्तों ये जो है ये प्रजातांत्रिक तरीका है, इसमें सभी व्यक्तियों का बराबर का समय दिया जाता है। और दोस्तों आगे है, यह रुचि पैदा करता है। सही बात है दोस्तों, अगर आप लोग रोज़ ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको बोलने का जो स्किल है वो बढ़ जाएगा और आपके जानने की इच्छा शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। और किसी समस्याओं के सुझाव हक या निदान हेतु समूह में किया जाता है दोस्तों। जो किसी समस्या है उसके सुझाव भी समूह में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हम लोगों का अब एक आखिरी टॉपिक बचा है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस यानी व्यक्तियों का सभा होती है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है दोस्तों? सम्मेलन जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसमें व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन अथवा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें लोग इकट्ठा होते हैं किसी निश्चित समस्या पर चिंतन अथवा वाद विवाद का एक निश्चित समय सीमा में करना होता है दोस्तों। तो कॉन्फ्रेंस का मेन मतलब यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक रहिए। जय किसान और जय कृषि विज्ञान।